लेकिन एक बात बताइए, आपके जो विरोधी हैं खासकर बीजेपी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं क्योंकि आपके धुर विरोधी आरपीएन सिंह अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं, उनके पडरौना से लड़ने की संभावनाएं हैं, इसीलिए आप मारे डर के आपने पडरौना छोड़ा और फाजिल नगर गए। देखिए सुमित जी, डरने वाला कभी राजनीति नहीं करता, एक चीज। दूसरी चीज, मैं विपरीत परिस्थितियों में जीतने का आदी हूं। मैं जहां गया हूं समाजवादी पार्टी की हारी हुई सीट है, जो छोड़ा हूं मैं अपनी जीती हुई सीट छोड़ा हूं और तीन बार की जीती सीट छोड़ा हूं। और साथ ही साथ कोरोना में आरपीएन जी अपना पूरा अस्तित्व राजनीतिक खो चुके हैं। उनको राजा साहब, राजमहल और दरबार के अलावा उनकी कोई पहचान नहीं है। यहाँ तक कि जब वो विधायक होते थे तो राजा के नाम पर, राजमहल के नाम पर होते थे। जब से मैं आया, जनता यहाँ की जान गई कि प्रतिनिधि क्या होता है। मैं जब घर घर लोगों के पहुँचना शुरू किया, पूरी विधानसभा को एक एक घर मैंने घूमा, सबके सुख दुख में शरीक हुआ, यहाँ तक कि शादी विवाह और सामाजिक कार्यक्रमों में जाना शुरू किया, तो लोगों ने सोचा कि प्रतिनिधि इस तरह से होता है जो जमीन पर काम करने वाला नेता होता है वो सबका होता है, और राजा साहब कुछ चंद लोगों के होते हैं। और यहाँ तक कि पड़ोना के लोगों आप को ये कह रहे हैं राज दरबार में बिना अनुमति के घुसने की भी प्रवेश। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।